सब्सटेंस वेपर स्टेट में जल रहा था और यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ पहुँचे। और हमने तो दूर रखा था, और हमने जब यहाँ पर फ्लेम, जब हमने यहाँ पर माचिस की तीली दी थी और हमने आग यहाँ पर जला रहे थे, यहाँ पर इसको हम हीट अप कर रहे थे और हम देख रहे हैं ब्लैक स्टेन यहाँ पर भी है, वो कैसे जो वेपर है वो ट्रेवल करके यहाँ पर आ गए और यहाँ पर भी हमने इनको जलाया, तो यहाँ पर हमें पता चला वहीं से यहाँ पर ब्लैक स्टेन आ गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लैक स्टेन है ना, जो सब्सटेंस, चाहे आप केरोसिन ले लो, आप केरोसिन स्टोव घर में जलाते हो, केरोसिन भी होता है ना, आप देखते हो तो उस पर जब कोई खाना बनाते हो किसी बर्तन में, उस बर्तन को क्या होता है, जो बर्तन को देखते हो नीचे बॉटम से क्या होता है, ब्लैक लगा होता है, वो क्या है, वही तो वो जो सब्सटेंस है उस केरोसिन में से जो वेपर्स निकले, वो वेपर्स जलने के बाद जो बचता है वो स्टेन ब्लैक स्टेन में कन्वर्ट होते हैं। ये तो हमने यहाँ पर भी देखा, ब्लैक स्टेन में ही तो कन्वर्ट हो गया ना वो जो तो फ्लैम कैसे मिलता है, सब्सटेंस जो उसमें मौजूद होता है, चाहे केरोसिन हो चाहे वैक्स हो, वो सब्सटेंस जो वेपर की शक्ल में आ जाते हैं वही जलते हैं, और वही जलने से हमें वहाँ पर वो फ्लैम दिखता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर का फ्लैम दिखता है ना, चाहे वो इसमें हमें येलो दिखता है ना, बीच में वाइट और येलो, केरोसिन में आपको कैसा दिखता है, वहाँ पर ब्लू दिखता है आपको, वो डिपेंड करता है वो सब्सटेंस जो आप वेपर की शक्ल में आ रहा है वही जल रहा है, और वही हमने यहाँ पर भी विजुलाइज किया। और हमने यहाँ पर भी देखा, इसके केस में भी देखा था, जब हमने ये जलाया था ब्लैक मोशन इसमें भी आया था, ब्लैक स्टेन इसमें भी आया था, है ना, जब हमने एक्सपेरिमेंट किया इसमें ब्लैक स्टेन आया था, तो ये ब्लैक स्टेन क्यों था, इसमें ब्लैक स्टेन, तो यही भी तो प्रैक्टिकली विजुलाइज किया था हमने, तो ब्लैक स्टेन वही तो थे वेपर्स की शक्ल में, जो वेपर्स जले थे जलने के बाद जो फ्लेम हमें मिला, और वो जब जलने के बाद हम कहेंगे जो रिमेनिंग प्रोडक्ट है वो क्या मिल रहा है, हमें ब्लैक स्टेन मिल रहा है, आप देख सकते हो हाथ लगा के भी आप देख सकते हो, है ना, इधर ठीक है, यही है वो ब्लैक स्टेन जो, और फ्लेम देता कौन है, वही वेपर्स जब जलते हैं फ्लेम भी, यही प्रैक्टिकल हमने प्रैक्टिकली विजुलाइज की ये चीज़, ठीक है, तो सबको ये चीज़ समझ आई। यस सर। ओके, आज के लिए इतना।